नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अब आप छाती फुलाकर हर जगह घूमोगे या दुनिया झुककर आपको सलाम करेगी। जी दोस्तों, हर जगह आपके ही नाम का ढिंढोरा होने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 से 10 दिनों का समय आप सभी के जुनकाल के लिए कोई मामूली समय नहीं है। दोस्तों ये आपके जीवन को, आपके भाग्य को बदलने वाले समय होने वाले हैं। जय दोस्तों, और ऐसे समय सभी के नसीब में नहीं आते हैं। जय दोस्तों, ध्यान सुनिएगा कि ऐसा महत्वपूर्ण समय, ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति हर किसी के जुनकाल में नहीं आती है। जय दोस्तों, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग भगवान के प्रति विश्वास करते हैं, दोस्तों भगवान उन्हीं को इतने अच्छे मौके देते हैं। जय दोस्तों, और अब आपको बता दें कि ऐसे में आपको 3 बड़ी गलती भूल कर भी नहीं करना है। कि दोस्तों आप जाने अनजाने में आपसे यह गलती हो ही जाती है। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप यह गलती को रोक लेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल में कोई भी गलती होगी ही नहीं और कोई भी परेशानी आपके जुनकाल में आएगी ही नहीं। जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और दोस्तों ने शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर आप अपने जुनकाल को अपने हाथों से लिख सकते हैं। जो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में शुक्र ग्रह का जो संचार है आपकी राशि से लाभ भाव में है और चंद्रमा का जो दृष्टि है वो 2.5 दिन में बदलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके जुनकाल में आने वाले समय में लाभ की स्थिति में आने वाले हैं। और दोस्तों सूर्य और बुध पहले से ही आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति बना चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव भी आपकी राशि से उच्च स्थान में बैठे हैं, जो कि दोस्तों आने वाले 5 से 10 दिनों तक ऊपर से ही भगवान शनिदेव की कृपा आपकी पूरी जिंदगी पर रहने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जहां गुरु शुक्र और शनि की कृपा दृष्टि आपके जुनकाल में बन रही है तो दोस्तों इसमें राजयोग का नहीं बल्कि दोस्तों महाभाग्यशाली योग का भी निर्माण होगा, जो कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल को बिल्कुल ही बदलने वाले साबित होंगे। जी दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण मौके हर किसी के जुनकाल में नहीं आते हैं, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और जो गलती हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों आप उन्हें भूल कर भी मत कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के और माँ लक्ष्मी के प्रेम भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान शनिदेव की और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आपके जुनकाल पर आएंगी और कष्ट सभी समाप्त होंगे। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों जान लेते हैं कि यश में आपको कौन सी बड़ी गलती नहीं करनी है। दोस्तों सबसे पहला जो सावधानी आपके जुनकाल में यह है कि दोस्तों आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर आपके जुनकाल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है, जो भी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, चाहे दोस्तों कोई भी सफलता मिली हो, दोस्तों किसी को आपको छोटा नहीं समझना है। जी दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है तो दोस्तों यश में आपको जो भी मौके मिलने वाले हैं, जो भी लाभ मिलने वाले हैं, दोस्तों उनमें आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धा और प्रसन्नता दिखानी होगी। जी दोस्तों, यह भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा परीक्षा है आपके जीवनकाल में। तो दोस्तों माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का दिया हुआ कोई भी चीज़ यश में अगर आपको मिले, कोई भी सफलता हो या फिर कोई ऐसी पदोन्नति हो या फिर कोई मान सम्मान हो जो कि दोस्तों अन्य लोगों के द्वारा मिले या फिर आपके ही जुनकाल में ऐसी स्थिति का निर्माण हो जहां पर आपको लाभ हो, तो दोस्तों उनको आपको अपने जुनकाल की सबसे बड़ा सफलता मानना है, सबसे बड़ी कामयाबी माननी है। और दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों जब भी आपको कुछ भी कामयाबी मिल जाए तो दोस्तों इनका ढिंढोरा आपको कहीं पर भी नहीं पीटना है। जे दोस्तों, ये आपकी जीवन की बड़ी गलती हो जाएगी। जे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप जानते हैं कि जब भी आपके जुनकाल में खुशी के माहौल आते हैं, जब भी आपके जुनकाल में कुछ ऐसी अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो जाए तो दोस्तों अगल बगल या फिर कुछ ऐसे आपके अपने ही लोग आपसे जलन की भावना से बहुत ही उथल पुथल से हो जाते हैं, वह चाहते हैं कि कब आपके जुनकाल में अब दुख आ जाए और यह खुशखबरी आपसे छिन जाए। तो दोस्तों ऐसी बड़ी गलती आपको नहीं करना है क्योंकि दोस्तों अचानक ही आपके जुनकाल में ये खुशखबरी संकट में भी बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो शत्रु होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, वह हमारे ग्रहों के लिए राहु केतु के ही समान होते हैं या विपरीत ग्रह के ही तरह या दुश्मन होते हैं। तो दोस्तों कभी भी इनसे दोस्ती नहीं करना है। जी दोस्तों, तो दोस्तों भूल कर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको उन्हें लालच बिल्कुल भी नहीं देना है कि हमें यह सफलता मिल गई है, हमारा यह कार्य बन गया है। जी दोस्तों, और दोस्तों दूसरा जो आपके जुनकाल में गलती आती है कि दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में यह चीज़ मानना है कि हम जो गलती किए हैं वह गलती हमारा है
और उनमें हमें कैसे सुधार करना है, इस बात को लेकर आपको ईश्वर से प्रार्थना करना है। माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव की चरणों में आपको जाना है। और दोस्तों यश में आपको उनसे यही निवेदन करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हे प्रभु, हमसे जो भी गलती हो गई, हमसे जो भी अनजाने में भूल हुई है, उन सभी के लिए हम आपसे बारंबार माफ़ी मांगते हैं। और दोस्तों वह कहकर आपको उन्हें कुछ कबूल जरूर करना है। जी दोस्तों, आए आपके जन्म काल में आप जिनमें समर्थ हो उस चीज़ का आप कबूल कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को आप गायत्री मंत्र भी कबूल कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी, हम आपके लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे प्रतिदिन। और भगवान शनिदेव के लिए आप काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, काली चीज़ों का किसी को दान कर सकते हैं, असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं, वृद्ध आश्रम में कुछ दान कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की तमाम कार्य आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। शायद दोस्तों माँ लक्ष्मी को यश में आपको प्रसन्न करने के लिए गाय को भी रोटी खिलाना है। शायद दोस्तों आपको बता दें कि यश में कन्याओं को आप कुछ पैसे दान कर दें। दोस्तों ये आपके जन्म काल में क्या करेंगे? दोस्तों आपकी कुंडली में बन रही विपरीत ग्रह जो है, जो आपके कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं, दोस्तों ये सब करने से आपके विपरीत ग्रह शांत होंगे और आपके लाभ के नए नए मौके आपके सामने आते जाएंगे। जी दोस्तों, और आने वाले समय में, आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर आपको जो तीसरा गलती हुआ है, नहीं करना है कि दोस्तों खुद पर अहंकार नहीं करना है और भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह भी भगवान का सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा होता है कि दोस्तों अगर आपके जन्म काल में भगवान सुख दे रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें आपका कर्म है, आपका श्रद्धा भक्ति है, जो कि भगवान आपको अच्छा मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भूल कर भी यश में आपको अपने से दूसरों पर विश्वास नहीं करना है कि दोस्तों आज के इस जीवन काल में जो भी सच्चे साथी होते हैं, जो भी सच्चे मित्र होते हैं, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चे मित्र ही व्यक्ति को धोखा देते हैं, वरना दूसरे लोग उनसे कुछ भी नहीं मांगते। सच्चे मित्र ही होते हैं जो उन्हें अपना कह कर उन्हें लूट लेते। तो दोस्तों आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर आपको इन 3 बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आने वाले समय आपके जन्म काल में कोई भी परेशानी लेकर नहीं आएंगी और सारे विपरीत ग्रह भी आपके शांत होंगे। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनके अनुसार आपके जन्म काल में आपको कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपकी इंतजार कर रही है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में आप आराम करने तथा हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। ग्रह गोचर आर्थिक दृष्टि से पूर्णता आपके पक्ष में होंगी और दोस्तों आपके आय मार्ग में प्रास में होंगे। दोस्तों नजदीकी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत भी होगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी यशमय विचार विमर्श होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय जो है संयुक्त परिवार में अलगाव जैसी बातों पर विचार विमर्श होगा, कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि युवाओं द्वारा जरूरत से अधिक पैसा खर्च भी हो सकता है। पैसे को संभालना और योग्य तरीके से खर्च करना, इनमें आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को आर्थिक विषय में अधिक प्रगति की अपेक्षा है दोस्तों उनको योग दिशा में अपनी मेहनत लाने की आवश्यकता इसमें होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों हर एक बात पर अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी, तभी जाकर आप अपने काम को गति में ला पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश में अधिकतम समय सामाजिक तथा बाहरी गतिविधियों में व्यतीत होगा। अचानक से कोई महत्वपूर्ण काम बनने से मन में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी आप जो है आपके गुस्से व फिर गलत शब्दों के प्रयोग का नकारात्मक असर आपके जो है बच्चों पर भी पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों अपनी बोलबाज में उचित शब्दों का चयन करें। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए शुभ होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके जिद्दी स्वभाव के कारण आप मनचाही बात को मना पाएंगे, लेकिन दोस्तों इसकी वजह से किसी को आप जो है गहरी चोट भी पहुंचा सकते हैं। अपने शब्दों का इस्तेमाल करते समय ध्यान देना होगा। दोस्तों आपको मिले हुए ज्ञान और अपनी क्षमता की वजह से आपका अहंकार भी इसमें बढ़ रहा है, तो दोस्तों इन पर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें
कि यह समय मिला जुला प्रभाव देने वाला समय होगा। दोस्तों यश में दोपहर के बाद पूर्णतः स्थिति जो है अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से आप जो है तनाव मुक्त यश में महसूस करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको अपने शुभचिंतकों से उचित मदद भी मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां भी रहने वाली है, परंतु दोस्तों जल्दबाजी व फिर भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें। इनकी वजह से बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ सकता है, वाहन या फिर महंगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने से खर्चे भी आ सकते हैं। और दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में कोई उच्च शिक्षण या फिर विदेश में नौकरी करने की अपेक्षा रखता है, तो दोस्तों उसके लिए कोई जो है सहायता की जरूरत हो सकती है। दोस्तों यश में दूसरों की आर्थिक सहायता करने से पहले अपनी परिस्थिति को भी जान लेना आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों परिवार के लोगों के साथ मानसिक स्वरूप से जुड़े रहने की आप कोशिश करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कुछ समय से जिस सुकून की तलाश आप कर रहे थे, दोस्तों वह यश में हासिल हो जाएगा और आप आत्मचिंतन द्वारा अपने जीवन शैली में सुधार लाने की चेष्टा भी करेंगे। दोस्तों घर के निर्माण संबंधी कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है, तो दोस्तों उन्हें आप दोबारा शुरू करने का जो समय होगा उचित समय होगा। और इसके उपरांत यश में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में लिए हुए कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। आपके कुछ सपने अधूरे रहने की वजह से मन में थोड़ी सी उदासी भी रहेगी। दोस्तों ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आप उस हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति के साथ विश्वासघात भी हो सकता है। और इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जिस बात की प्रगति की आपको अपेक्षा भी यश में नहीं थी, ऐसी बात में प्रगति आपको नजर आएंगी। परिवार में खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा, भाई बहन में संबंध सुधरने लगेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े सभी विवादों में भी जो भी समस्या थे उनका निपटारा होगा।